जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के प्री बोर्ड पेपर की और ये अपना तीसरा प्री बोर्ड पेपर है। आप सबको ये कहना चाहूँगा, आज आप इस पेपर को अच्छे से देखकर अगले कम से कम दो दिन में आप इस पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लें जब भी आपको टाइम मिले। और बहुत जल्द, क्योंकि स्कूल में एनुअल फंक्शन है तो थोड़ा सा बिजी हूँ, जैसे ही फ्री होता हूँ कोशिश रहेगी संडे तक या लास्ट मंडे तक इस पेपर को बोर्ड की कॉपी में आप किस प्रकार से लिखेंगे उसका एक ब्लूप्रिंट है वो आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। क्योंकि बहुत से बच्चों का प्रश्न था, सर बोर्ड के अंदर किसी प्रश्न का आंसर कैसे लिखें। तो बोर्ड की जो कॉपी है उसके अंदर इन प्रश्नों के आंसर एक अच्छा बच्चा किस प्रकार से प्रेजेंटेशन अपनी कर सकता है ये भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। एक बार फिर कहूं, इस पेपर को पहले आपको सॉल्व करना है और फिर मैं आपको इस पेपर को सॉल्व करके इसी चैनल के ऊपर जल्द ही बताऊंगा। पेपर आपका 3.5 घंटे का है, 56 नंबर का पेपर होता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, 14 नंबर स्कूल से सत्रांक के रूप में और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, तो टोटल 100 नंबर का हो गया। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सामान्य निर्देश दिए, अभी सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। प्रश्न का उत्तर लिखने से पहले प्रश्न का क्रमांक है वो अवश्य लिखना है। अंक बार मैंने साथ दे दिए हैं। 16 से 20 जो प्रश्न है उनमें आंतरिक विकल्प है और 2 प्रश्न है वो मानचित्र के हैं, ये सब चीज़ें आपको पता है। चलिए अब पहला क्वेश्चन करते हैं, ऑब्जेक्टिव है। टोटल 9 क्वेश्चन है और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। पहले का पहला है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तन सेल संबंधों का अध्ययन है, मानव भूगोल की उक्त परिभाषा किसने दी? सैंपल, रेड जेल, ब्लास या ग्रिफिथ टेलर, इनमें से आपको उत्तर चूज करना है, वैसे में जो भी है। दूसरा है पहले का, क्या इनमें से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? अटाकामा, भूमध्य रेखीय प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी एशिया, ध्रुवीय प्रदेश। तीसरा है, क्या निम्न में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? रूस है, डेनमार्क, भारत या नीदरलैंड, कौन सा हो सकता है? पहले प्रश्न का चौथा देखिए, क्या निम्न में से कौन सा एक उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? छोटे पैमाने का उद्योग, कुटीर उद्योग, आधारभूत उद्योग या फुटलूज उद्योग। पांचवा है, मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग किस विद्वान ने किया है? लेविस मम्फोर्ड, पैट्रिक गिडीज, जीन गॉटमैन या जॉर्ज बी क्रेसी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है ये आपको बताना है, 200, 382, 555 या 318। सातवां है, क्या शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? रागी, जवार, मूंगफली या गन्ना। आठवां है, क्या निम्न में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? जल, ताप, सौर या पवन। नौवां है, क्या निम्न में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था इंडिया के संदर्भ में, 1911, 1936, 27 या 1923। ये हुए ऑब्जेक्टिव नो क्वेश्चन पहले के अंदर आएंगे। दूसरा प्रश्न आपको पता है रिक्त स्थानों की पूर्ति का आएगा और उसमें 4 प्रश्न आएंगे, जिसमें पहला है कि जब बाह्य स्रोतन में कार्य समुद्र पार के स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है तो इसको रिक्त स्थान कहा जाता है, तो रिक्त स्थान भरना है खाली। दूसरा, भारत में चावल के पश्चात रिक्त स्थान दूसरा प्रमुख अनाज है, तो दूसरी फसल का नाम लिखना है यहाँ पर। तीसरा, धरातलीय और भौमजल का सबसे अधिक उपयोग रिक्त स्थान में किस चीज में होता है वो बताना है। चौथा है कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत रिक्त स्थान में हुई तो किस टाइम हुई ये बताना है। ये आपका दूसरा प्रश्न, 4 हो गए, 9 और 4 13। अब आएंगे अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, एक एक नंबर के 4 प्रश्न इसके अंदर होंगे। पहला है कि अपकर्ष कारकों के 2 उदाहरण लिखिए। प्रश्न की भाषा आपको अच्छे से समझनी है, कोई मिस्टेक नहीं होगी, बहुत प्यारे प्रश्न हैं सभी। चलवासी पशु चारकों की संख्या घटने के 2 कारण हैं वो बताने हैं आपको। रूहर जो कि जर्मनी में है, औद्योगिक क्षेत्र की किन्हीं 2 प्रमुख समस्याओं को लिखिए। रूहर जो औद्योगिक क्षेत्र है उसकी 2 प्रमुख समस्याएं आपको लिखनी है। चौथा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आवधिक बाजार क्यों महत्वपूर्ण होते हैं इसके बारे में लिखना है। तो बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट भी है। एक चीज़ बता दूँ आपको, जो बच्चे अभी देरी से जुड़े हों भी, इस पेपर को आपको पहले स्वयं हल करना है और उसके बाद मैं स्वयं इस पेपर को हल करके आपको प्रदर्शित करवाऊंगा ताकि बोर्ड की कॉपी में कैसे लिखा जाता है ये आप अच्छे से जान सके। क्योंकि अभी भी बहुत से बच्चों को संशय है, हम कैसे लिखें, क्या होगा,
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हैं वो हमें मिले। अगला खंड बै के अंदर आपके 12 क्वेश्चन आएंगे जो एक सही एक बटा दो यानी डेढ़ अंक का, 1.5 मार्क्स का, 1.5 हो गया। चौथा प्रश्न है आर्थिक भूगोल के 3 उपक्षेत्रों के नाम लिखने हैं, तो आधे आधे नंबर के 3 हो जाएंगे, अंक विभाजन आप समझ सकते हो। पांचवा है कि प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है, ये एक कथन है, इसके पक्ष में कोई 3 उदाहरण लिखिए जिससे ये स्पष्ट हो जाए भी टेक्नोलॉजी से समाज का सांस्कृतिक विकास है वो होता है। छठा है कि किसी नगरीय संकुल की पहचान के 3 संयोजकों को लिखिए, 3 तरीके से जुड़ाव होता है, नगरीय संकुल बनता है, वो कौन कौन से हो सकते हैं वो बताने हैं। सातवां क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक स्वस्थ शहर में कौन सी सुविधाएं होनी चाहिए, कोई 3 सुविधाएं हैं वो आप इसके अंदर लिखेंगे। आठवां प्रश्न है कि नम बिंदु बस्तियों से प्राप्त कोई 3 लाभ लिखिए, नम बिंदु जो बस्तियां बनती है उनसे क्या बेनिफिट मिलता है। नौवां है कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटकों के नाम लिखिए, जिससे जनसंख्या वृद्धि होती है या जनसंख्या परिवर्तन होता है वो 3 चीज़ों के केवल नाम लिखने हैं। तो दसवां क्वेश्चन है कि ग्रामीण से नगरीय प्रवास के कोई 2 पर्यावरणीय परिणाम लिखिए, 2 पूछे हैं तो इसका मतलब 3/4 + 3/4 हो गया। ग्यारहवां क्वेश्चन है एक से बढ़कर एक क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से कौन से 3 उपाय अपनाए थे, वो उपाय बताने हैं यहां पर। बारवां कि भारत में लेगून तथा पश्च जल कहां पाए जाते हैं, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, और इसके कोई 2 उपयोग है वो लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है कोंकण रेलवे पर टिप्पणी लिखिए, यानी संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है क्योंकि आपको पता है 1.5 मार्क्स का है, तो उसी हिसाब से आपको आंसर है वह देना है। अगला क्वेश्चन देखिए 14वां क्वेश्चन भी, हो सकता है एक क्वेश्चन मैचिंग वाला आ जाए तो हमने वो भी डाला है। 14वां क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, एक तरफ नगरों के प्रकार दिए हैं और दूसरे सामने नगर दिए हैं, तो आपको मैच करके बताना है भी प्रशासनिक नगर इन 3 में से कौन सा है, शैक्षिक नगर के रूप में कौन प्रसिद्ध है और पर्यटन नगर के रूप में कौन सा प्रसिद्ध है, जो सही हो मैच करके सामने सही लिखना है, ये सही नहीं है। 15वां क्वेश्चन है पवन हंस क्या है और यह किन 2 क्षेत्रों में सेवा प्रदान करती है, ये पवन हंस जो है। तो इस प्रकार से ये डेढ़ डेढ़ नंबर के 1.5 ये 12 क्वेश्चन हो गए, ये आपको करने हैं खंड बै के अंदर। अब देखिए खंड स, खंड स आपको पता है इसके अंदर 3 क्वेश्चन आएंगे और तीनों क्वेश्चन 3-3 नंबर के होंगे, और सबसे बड़ी बात आपको पता है 3 और 4 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे उनमें अथवा भी मिलेगा, तो जो आप जिसका आंसर बहुत प्यारे से तरीके से लिख सकते हो वो आपको हल करना है। 16वां क्वेश्चन है कि आधुनिक आर्थिक विकास में सेवा सेक्टर की सार्थकता और वृद्धि को समझाइए, अथवा परिवहन और संचार सेवाओं की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए, तो जो इनमें से आप अच्छे से कर सकते हो। 17वां क्वेश्चन है कि अधिकतर देशों में उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग प्रमुख महानगरों के परिधि क्षेत्रों में ही क्यों विकसित हो रहे हैं, इसकी व्याख्या करनी है, बतानी है ये बात, अथवा आप चाहें तो ये कर सकते हैं अफ्रीका में अपरिमित प्राकृतिक संसाधन है फिर भी औद्योगिक दृष्टि से ये बहुत पिछड़ा महाद्वीप है, इसकी समीक्षा कीजिए। तो जो भी आपको लगे उस हिसाब से, लेकिन आपको हल करना चाहिए, मैं आपको यही सलाह दूंगा, कोई बात नहीं आपको नहीं आ रहा गलत आ रहा, लेकिन मैं आपको ये चीज़ कहूँगा सब बच्चों को, आपको प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा होगा लेकिन फिर भी आप अपने दिमाग से उसके संदर्भ में क्या चीज़ लिख सकते हो वो लिखना जरूर है, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। आप 3 नंबर के हिसाब से आप क्या समझ में आता है उस हिसाब से आपको उत्तर देना है, कोई बात नहीं, कोई पहाड़ नहीं टूट रहा, अगर गलती होगी तो जल्दी सीख जाओगे, कहते हैं ना गिरते वही हैं जो सहसवार होकर चलते हैं, वो क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। तो समझिएगा इन शब्दों के जो अर्थ है उनको। 18वां क्वेश्चन, फिर 2 क्वेश्चन है एक करना है, भारत में जल संरक्षण और प्रबंधन क्यों आवश्यक है और जल प्रदूषण की समस्या के निवारण के संदर्भ में किए गए सरकारी प्रयासों का उल्लेख करना है, अथवा वर्षा जल संरक्षण से होने वाले लाभों का उल्लेख करते हुए, तो एक तो लाभ बताने हैं, भारत में प्रचलित वर्षा जल संग्रहण की विधियों की विवेचना है वो करनी है, बताना है उनके बारे में, तो इन दोनों में से भी जो आपको अच्छा लगे वो कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ गया खंड द, आपको पता है खंड द में 2 क्वेश्चन आएंगे
जो चार चार नंबर के होंगे और यहां पर भी अथवा आपको मिलेगा। 19वें क्वेश्चन की बात करें तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले चार भौगोलिक कारकों का वर्णन कीजिए। तो कोई चार भौगोलिक कारकों को अच्छे से आपको अपनी भाषा में समझाना है, अथवा एक लाइन दी गई है कि कार्यशील जनसंख्या का अनुपात किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास के स्तरों का अच्छा सूचक होता है, इस कथन की विवेचना कीजिए। तो दोनों में जो भी अच्छा लगे। 20वां क्वेश्चन है कि भारत में उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कोई चार कारकों का वर्णन कीजिए, अथवा भारत के किन्हीं चार मुख्य औद्योगिक प्रदेशों के नाम लिखते हुए किसी एक मुख्य औद्योगिक प्रदेश का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो आपको जितने भी कोई भी चार के नाम लिखने और किसी एक का वर्णन है वो करना है। तो इनमें से दोनों में से जो भी आपको अच्छा आंसर तैयार हो या जिसके बारे में आप अपनी तरफ से कुछ अच्छा लिख सकते हो, अगर आपके कम याद हैं, सारे ही कम याद हैं, तो कुछ तो लिख सकते ही होंगे क्योंकि बोर्ड परीक्षा आने वाली है, तो ये तो सब बच्चों से उम्मीद रखी जा सकती है। ज्योग्राफी है, आपको पता है ज्योग्राफी एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, ये एक विज्ञान है अपने आप में। भले ही आर्ट्स का है तो आपको पता होगा ये सब्जेक्ट साइंस में भी होता है। आप जो बच्चे बीएससी करते हैं तो वो भी ज्योग्राफी सब्जेक्ट ले सकते हैं क्योंकि ये आर्ट्स में भी आता है और साइंस में भी। तो इसलिए यहाँ पर अप्लाइड नॉलेज का बहुत बड़ा रोल है, वो रहता है। चलिए अगले दो क्वेश्चनों की बात करें तो दोनों क्वेश्चन मानचित्र पे हैं। आपको पता है दो मानचित्र के प्रश्न आने हैं, 21वां और 22वां प्रश्न, और प्रत्येक प्रश्न दो दो नंबर के। तो 21वां है कि दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में सघन जनसंख्या वाले देशों को दर्शाना है। चार देश बताए हैं, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, ब्राजील और नाइजीरिया, ये आपको दर्शाने हैं विश्व मानचित्र पर। और 22वां है कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नांकित केंद्रों को दर्शाना है, एक जयपुर है, इंदौर है, भुवनेश्वर है और भद्रावती है। नक्शा आपको पता है किस प्रकार से आएगा, ये भी आप देख सकते हैं। विश्व मानचित्र आपको इस प्रकार से बोर्ड के पेपर के अंदर मिलेगा, भौतिक मानचित्र मिलेगा जिसके अंदर देश की जो बाउंड्रियाँ हैं वो नहीं दिखाई जाएगी, और इसी प्रकार से आपको भारत का रेखा मानचित्र मिलेगा, यानी राज्यों की सीमाएं नहीं दर्शाई जाएगी, ये भौतिक मानचित्र होते हैं। तो इनके अंदर आपको दी गई जो लोकेशन है वो प्रदर्शित है, वो करनी होती है। तो इस प्रकार से ये था अपना ज्योग्राफी सब्जेक्ट को लेकर 2022 की बोर्ड परीक्षा को लेकर, उसके 2022 के जो दिशा निर्देश हैं पेपर के लिए, ब्लूप्रिंट के आधार पर ये पेपर हैं वो आपके लिए तैयार किया गया है। इस पेपर को अब आप अपनी ईमानदारी से, अपने लिए, किसी दूसरे को दिखाने के लिए नहीं, अपने जो मूल्यांकन है वो आपको करना है भी। आप इस प्रकार के प्रश्न अगर बोर्ड परीक्षा में आए तो आप इनके आंसर है वो किस प्रकार से बेस्ट लिख सकते हो, क्योंकि लिखने के तरीके का भी बहुत बड़ा रोल है वो होता है। कई बार हमें चीज़ याद होती है लेकिन हम उसको अच्छे से रिप्रेजेंट है वो नहीं कर सकते, तो कई बार हमें उसका खामियाजा है वो भुगतना पड़ता है। विश्वास रखिएगा खुद पर, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। तो आज का ये तीसरा पेपर आपको सॉल्व करना है, अपना मिशन है उसको पूरा करना है। अब की बार 90 पार, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये था आज का प्री बोर्ड 3 आपका ज्योग्राफी को लेकर। जल्दी से कॉपी पेन निकालिए और अपना ऊपर विश्वास करते हुए और खुद के लिए, न किसी दूसरे को दिखाने के लिए पेपर करना है, अपने लिए आपको करना है। और मैं यही आपसे उम्मीद भी रखूं और सलाह भी दूंगा भी कीजिएगा, कॉपी पेन उठाइएगा, कुछ पेज उठाइएगा और करने बैठ जाइएगा। जब आपको लगे भी हाँ मेरे पास इतना टाइम है तो उस टाइम आप इस पेपर को कीजिएगा। आप सब बच्चों को बेस्ट विशेस, जल्द ही हम इसके आंसर शीट को लेकर भी आपके सामने उपस्थित रहूँगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।